साथियों, हमारे काफ़ी सारे किसान भाई बैंगन की फसल लगाए हुए हैं और इस समय पर उनके बैंगन की फसल में एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है बैंगन में तना छेदक और फल छेदक। यानी कि काफ़ी सारे किसान भाई तो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, वो जो है एकदम उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कई सारे इंसेक्टिसाइड को लगातार तीसरे दिन चौथे दिन स्प्रे कर रहे हैं पर उनका जो है पैसा ही वेस्ट जा रहा है, उन्हें रिजल्ट बिल्कुल भी निकाल करके नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि हम अपने बैंगन की फसल से जो व्हाइट फ्लाई होती है उससे भी बच सकें, इसके साथ साथ तना छेदक से बच सकें, फल छेदक कीटों से बच सकें। इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई जो है हमारे परेशान हो जाते हैं, दुकान पर जाते हैं अपना रोग बताते हैं और दुकानदार भाई जो उन्हें जो इंसेक्टिसाइड है वो पकड़ा देते हैं पर उन्हें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। क्यों रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है इसके बारे में पूरी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जो किसान भाई बैगन की खेती कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, उनका पैसा वेस्ट होने से बच जाए और वो सही इंसेक्टिसाइड का चुनाव करके वो भी तना छेदक और फल छेदक को रोक पाएं। तो इसके लिए साथियों मुख्यतः आपको क्या करना होगा कि यदि आपके बैगन की फसल में आप जो है कीटनाशकों का स्प्रे कर रहे हैं अगर काम नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहले तो जो हमारा सिल्क्रोन आता है या करीना आता है जिसमें प्रोपेनोफॉस 50% इसी देखने को मिलता है, इसको ले लें 30 ml से 40 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसके साथ आपको लेना होगा WDG जो हमारा सल्फर आता है 80% वाला, इसको इन दोनों को WDG सल्फर जो लेना होगा हमें लेना होगा 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इन दोनों को अलग अलग घोल करके फिर आपस में मिला करके फिर साथियों अपने खेतों में बैगन में जो अच्छी तरीके से पौधे की धुलाई करवा देना है, खूब अच्छी तरीके से पौधे को भिगो देना है। भिगोने के बाद दूसरे दिन मैं आपको बता दूं साथियों क्या उपयोग में लेना है, दूसरे दिन आपको उपयोग में लेना होगा जो हमारा डेलीगेट आता है डाउ कंपनी का या फिर आप टाटा कंपनी का सुपर मिट ले सकते हैं। ये दोनों जो इसमें आपको स्पाइनोटोरम देखने को मिलता है साथियों, ये जो है बहुत ही शानदार इंसेक्टिसाइड है बैगन की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उनके लिए। यह सभी प्रकार के साथियों आपके कीटों को आसानी से बेस्ट तरीके से कंट्रोल कर लेता है, चाहे वो रस चूसा कीट हो चाहे चबाने वाले कीट हो। यह जो हमारा टॉप बोरर होता है यानी कि जो बैगन की टहनियाँ होती हैं उन्हें काट करके जो गिरा देता है, जो गुलाबियाँ सुंडी होती हैं उनको भी कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा साथियों जो हमारे फलछेदक कीट होते हैं बहुत ही खतरनाक कीट होते हैं, जल्दी से कंट्रोल नहीं होते, इन्हें भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो जो हमारा डाउ का डेलीगेट इंसेक्टिसाइड अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे आपको उपयोग में लेना होगा 20 ml प्रति 15 लीटर पंप। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सिंगल आपका काम नहीं कर पाएगा इस समय बैगन की फसल में, तो इसके साथ आपको लेना होगा दो दवाएं और, एक लेना होगा आपको इसके साथ इमामेक्टिन बेंजोइड जो हमारा 5% एजिक फॉर्मुलेशन वाला आता है, इसे आपको लेना होगा 12 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, इसे लेना होगा। और इसके साथ आपको एक इंसेक्टिसाइड और मिलाना होगा, इसके साथ आप मिला सकते हैं जो हमारा आता है PI का ओशीन, इसे एक पाउच लेना होगा। साथियों यदि आप इतना लेकर के फिर इसके साथ 5 ml सिलिकॉन स्टिकर इतना लेकर के यदि आप स्प्रे करते हैं तब भी आपको जो है 7 से 8 दिन रिजल्ट अच्छे तरीके से मिलेगा बैगन फसल में तने छेदक और फल छेदक कीटों पर बेस्ट रिजल्ट रहेगा। 7 से 8 दिनों तक आपके खेत में किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जब भी आप बैगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड को यूज़ करें तो जो हमारी टहनियाँ जो कटी हुई रहती हैं फल में जो कीट का कंट्रोल प्रकोप रहता है उसे अपने खेतों से सफाई करके फेंक करके तब फिर स्प्रे करें। साथियों मैं आपको बता दूं कि यदि आप इतना स्प्रे करते हैं तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपका 100% मैं कह रहा हूँ जो किसान भाई मैंने स्प्रे कराया उनके अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि उन्हें जो अच्छे रिजल्ट मिला, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप इन इंसेक्टिसाइड्स को उपयोग जरूर से जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों जो हमें अगला स्प्रे करना होगा वो नेक्स्ट वीक हमें करना होगा, लगभग साथियों 4 से 5 दिनों बाद जो स्प्रे करने के 5 से 6 दिनों बाद हमें स्प्रे करना होगा बेस्ट एग्रो कंपनी का जो हमारा रोनफेन इंसेक्टिसाइड आता है जिसमें 3 टेक्निकल दिए रहते हैं डायनेटोफ्यूरॉन डाइफेंथुरॉन प्लस एक और रहता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, इन दो 3 टेक्निकल है इसका जो फॉर्मुलेशन दिया गया है इसमें ये काफ़ी अच्छी तरीके से किसी भी प्रकार के हमारे रस चूसक कीट हों चाहे वो डंक मारने वाले कीट हों किसी भी प्रकार के रस चूसक कीट व्हाइट फ्लाई हों सकिंग पेस्ट हों साथ ही उन्हें जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से बैगन फसल में कंट्रोल करता है। इसमें ट्रांसलिमिनल एक्शन भी देखने को मिलता है इससे पौधे की पत्तियों के नीचे जो कीट छुपे होते हैं उन्हें भी आसानी से खत्म कर देता है। जो हमारी बैगन फसल में साथियों टहनियाँ गिरती हैं इसके साथ साथ फल छेदक कीट होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो मुख्य रोग फैलाने का कारण रहता है वो रहता है व्हाइट फ्लाई का अटैक, तो हमें इसे जरूर जरूर कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए हमें रोनफेन जो लेना होगा वो लेना होगा 30 ml प्रति 15 लीटर पंप, इसको उपयोग करना होगा बीच में, यानी कि आपको एक बार उपयोग में लेना होगा सुंडी के लिए जो हमारा डेलीगेट आता है डाउ कंपनी के इसे लेना होगा, फिर उसके बाद अगले स्प्रे में हमें शेड्यूल में स्प्रे करना होगा रोनफेन जो कि बेस्ट एग्रो का था उसे 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसके बाद आपको जो तीसरा स्प्रे करना है बैगन की फसल में वो करना है कडामा कंपनी का हमारा बहुत ही बेस्ट इंसेक्टिसाइड है जिसका नाम है ट्रेसिड।
ट्रेसिट को आपको उपयोग करना होगा साथियों, बहुत ही बेस्ट इंसेक्टिसाइड। इसकी डोज की बात करें तो 20 ml प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा। इसमें डाइफेंथ्रोन प्लस आपको स्पाइनोटोरम देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी बेस्ट टेक्निकल है। इसको उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। किसी भी प्रकार की वाइट फ्लाई उसे आसानी से कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ हमारे तनछेदक पलछेदक उन्हें भी आसानी से कंट्रोल करेगा, तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट वीक आपको उपयोग करना है जो हमारे सिनेंटा कंपनी का सिमोडिस इंसेक्टिसाइड है, इसे उपयोग करना है साथियों। ये भी बहुत ही शानदार इंसेक्टिसाइड है, काफ़ी सारे हमारे किसान में स्प्रे कर रहे हैं। 25 ml प्रति 15 लीटर पंप आपको इसको उपयोग में लेना होगा। 25 ml प्रति 15 लीटर पंप में खर्चा आपका आ जाएगा 270 रुपये प्रति टैंक का खर्च। यदि आप इसको उपयोग करेंगे सिनेंटा का सिमोडिस को, तो 7 से 8 दिन तक ये भी आपको आसानी से रिजल्ट दे देगा। यानी कि मैंने आपको टोटल 4 स्प्रे बताए। पहला स्प्रे आपको करना है डेलीगेट प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस आपको इसके साथ साथियों लेना होगा जो हमारा पीआई कोशीन आता है। इन तीनों को आपस में मिलाकर के स्प्रे करना है। फिर 7 दिन की गैपिंग के बाद आपको बेस्टैग्रो को रोनफेन इंसेक्टिसाइड को उपयोग करना है। इससे सभी प्रकार के वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीक आपको क्या कंट्रोल करना होगा साथियों, उपयोग करना होगा नेक्स्ट वीक में आपको उपयोग करना होगा डायमेक ट्रेसिड इंसेक्टिसाइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना उपयोग करना होगा उसके सिमोडिस, यानी कि बदल बदल कर आप अपने बैगन फसल में यदि कीटनाशकों का स्प्रे करेंगे उपयोग करेंगे तो 100% छोटे के साथ करता हूँ आपके बैगन फसल में तनाछेदक जैसी गंभीर समस्या है, फल छेदक जैसी गंभीर समस्या वो कंट्रोल रहेगी और आपको अच्छा खासा उत्पादन देगी, मुनाफा भी देगी। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करवा देते हैं। उनकी बैगन फसल में स्प्रे तो करते हैं पर उन्हें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें सही इंसेक्टिसाइड पता नहीं होती कि बैगन में कौन सा इंसेक्टिसाइड इस समय पर काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक।